आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में भाजपा नेता पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भाजपा नेता पर हुए हमले की घटना रात 8 बजे शहर के अमहिया थाना के सामने की बताई जा रही है। हमलावर 3 की संख्या में थे जो बाइक में सवार होकर आए थे और घटना के बाद से हमलावर फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा सरगर्मी के साथ की जा रही है। हमले में घायल हुए भाजपा नेता ने एक दूसरे भाजपा नेता पर हमला कराने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। घटना को लेकर घायल भाजपा के झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह करसुली ने बताया है कि वह शुक्रवार की रात अपने घर जा रहे थे। वह जैसे ही मानस भवन के समीप पहुंचे तभी एक बाइक में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते तब तक आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और घटना के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल ने बताया कि आरोपियों को वह नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमला पार्टी से ही जुड़े एक दूसरे नेता ने कराया है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल भाजपा नेता पर हमला करने वाले हमलावरों का पता अब तक नहीं चल सका है। घायल ने बताया कि खैरी नई बस्ती में जमीनी विवाद की वजह से उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला कराया गया है। पुलिस को भी यही आशंका है और इसी बात को लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था मानस भवन के कचरा की तरफ से। इतने में जहाँ पे कचड़ा घर बना हुआ है वहीं पे मोटरसाइकिल से 3 आदमी एकाएक हमको मारने लगे और बोले कि संजय त्रिपाठी दादा भाई से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। क्योंकि 24 तारीख को मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल SP को एक आवेदन दिया गया था कि पूर्व में मुझे धमकी दी गई थी संजय त्रिपाठी के गुर्गों द्वारा, उसी का ये वो लेकर के और आपका विराट 24 में भी 2-3 दिन पहले कोई समाचार निकला है जिसमें मेरा बयान है, उसमें खैरानी बस्ती की ज़मीन को लेकर उसी का ये फायदा उठाकर अचानक हमारे ऊपर हमला। हाथों से मार रहे थे, पता नहीं हमको, हम चश्मा हमारा गिर गया था, हमको कुछ दिख नहीं रहा, चश्मा हमारा टूट गया, मोबाइल पड़ा था रोड के बाहर, उसको किसी तरह से पकड़े। 3 आदमी थे वो, नहीं वो सब भट्टी मरे वो बांधे हुए थे। नहीं हमारा कोई विवाद नहीं, खैरा नई बस्ती के जमीन का विवाद है, आदिवासी हरिजन आदिवासियों का, उनका फर्जी रजिस्ट्री कराया संजय त्रिपाठी ने 12 एकड़ 59 डिसमिल जमीन, उसी में गरीबों के साथ, चूँकि मैं भाजपा झुग्गी झोपड़ी का जिलाध्यक्ष हूँ तो जनता बुलाती है तो उनकी मदद करता हूँ, उसी का वो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाया है उन्होंने 2016 में, न्यायालय में विचाराधीन है, अब आज मेरी ये स्थिति कर दी। जी FIR कराने आया हूँ।